अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं तारिक महमूद फोन फोरी चैनल के अंदर आपको वेलकम करते होंगे। खैरियत से होंगे आज आप सब लोग। आज की जो स्पीड टेस्टिंग सीरीज है उसके अंदर हम लेके आए हैं ओप्पो A17 वर्सेस डिकोड सिग्नल 3 लाइट। सिग्नल 3 लाइट जो है वो पाकिस्तान के इस टाइम पे सबसे सस्ती डिवाइस है 4GB के अंदर। दोनों डिवाइसेस 4GB के अंदर है, तो अब हमने देखना ये है कि क्या ये ओप्पो की न्यूअर डिवाइस जो है हायर रेट के अंदर ये हैवी परफॉर्मेंस देगी, या डिकोड की लोअर रेंज वाली डिवाइस हमें अच्छे परफॉर्मेंस देगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी आप देख सकते हो इस टाइम पे नो रीसेंट ऐप इज रनिंग इन द बैकग्राउंड। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है हम वो करेंगे रीबूट टेस्ट करेंगे। तो रीबूट टेस्ट करने के लिए मैं ज़रा इनके इनको रीबूट करूँगा, मतलब रीस्टार्ट करूँगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन से डिवाइस पहले रीस्टार्ट होगी। तो ये रीस्टार्ट हमने कर दिया है दोनों डिवाइसेस को। तो जब तक ये टेस्ट हो रहा है काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड्रॉयड का जो लोगो है वो आ गया है पहले डिकोड में, अब जाके ओप्पो का भी लोगो आ गया है। तो अब हम फर्दर देखेंगे कि कौन सी डिवाइस जो है वो जल्दी लोड होगी, लेकिन अभी तक तो जो है ना कंडीशन एक जैसी चल रही है। डिकोड का लोगो आ गया, हलचल शुरू हो गई है डिकोड सिग्नल 3 लाइट के अंदर, और ओप्पो अभी तक वहीं पर है। तो हमने पासवर्ड वाली स्क्रीन तक इसको देखना है। तो कलर OS के लोगों के ऊपर आ गया है, तो अब और ये क्लियरली आप देख सकते हो कि फास्ट जो है वो डिकोड सिग्नल 3 लाइट जो है ऑन हो चुका है, पासवर्ड पे आ गया है। अब हम वेट करेंगे कि ओप्पो A17 कब होता है, ओप्पो A17 कब सिग्नल उस पर आएगा पासवर्ड वाली स्क्रीन पे। तो अभी हम देख रहे हैं, और ये अब जाके ओप्पो A17 जो है पासवर्ड वाली स्क्रीन पर आ चुका है। तो डिफरेंस क्लियरली आपके सामने है कि स्टार्टअप के अंदर डिकोड फास्टर है ओप्पो A7। अब जो है हम अमेजोन शॉपिंग पर आके चेक करेंगे और देखेंगे कि अमेजोन शॉपिंग जो है वो किसमें फास्टर लोड होगी। अमेजोन शॉपिंग पर टैप कर दिया है हमने और देखते हैं कि किसमें फास्टर लोड होगी। और ये क्लियरली मुझे लग रहा है कि और ये क्लियरली आप देख सकते हो कि अमेजोन शॉपिंग जो है वो डिकोड में लोड हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए एज कम्पेयर टू ओप्पो, उसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो। अब हम नेटफ्लिक्स ला के चेक करेंगे, देखेंगे नेटफ्लिक्स इसमें फास्टली लोड होती है। दोनों पे टैप कर दिया हमने नेटफ्लिक्स पे, और अब देखते हैं लोगो पहले डिकोड में आ गया है उसके बाद ओप्पो में आया है, और ये डिकोड में जो है लोड हो चुका है। तो ये भी शॉकिंग रिजल्ट है, नेटफ्लिक्स भी डिकोड में पहले ही लोड हो रहा है। अब हम कैंडी क्रश ला के चेक करेंगे, देखेंगे कैंडी क्रश इसमें पहले लोड होते हैं, टैप कर दिया है हमने। इससे हमें ये भी पता लगेगा कि डिकोड जो है वो गेमिंग डिवाइस है या नहीं एज़ कम्पेयर टू ओप्पो के। तो स्क्रीन चेंज पहले डिकोड में हुई है, और अब देखते हैं लोड, और ये लोड भी पहले डिकोड में हो गई है। तो कैंडी क्रश भी आप देख सकते हो कि डिकोड में पहले लोड हुई है, तो सिग्नल 3 लाइट अभी तक तो वही छाया हुआ है। अब जो है हम सबवे सर्फर्स ला के चेक करेंगे और देखेंगे कि सबवे सर्फर जो है वो कौन सी डिवाइस में पहले लोड होता है। टैप कर दिया है सबवे सर्फर हमने, और अब देखते हैं कि फर्दर आगे कौन सी डिवाइस में ये लोड होता है। लोडिंग स्क्रीन पहले डिकोड में आई है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक तो दोनों इक्वली जा रहे हैं, लेकिन डिकोड आगे निकल गया है और बहुत आगे निकल गया है, 81% पे आ गया है, 96% पे आ गया है। और ये डिकोड में क्लियरली जो है ये सबवे सर्फर भी लोड हो चुकी है। तो एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा तमाचा जो है वो डिकोड ने ओप्पो को मार दिया है कि डिकोड जैसी कंपनी वो ओप्पो को टक्कर देके खड़ी हुई है। तो ये बड़ा शॉकिंग है, और इसी खुशी के अंदर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब जो है हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल चला के चेक करेंगे और देखेंगे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल किसमें लोड होती है, क्या डिकोड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में ओप्पो को हरा सकता है या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है ये हरा देगा, क्योंकि एविक्शन का जो स्क्रीन है वो पहले डिकोड में आई है। तो अब देखते हैं सेकेंड और थर्ड स्क्रीन जो है वो किसमें आती है। अभी तक तो ब्लैक ही है ओप्पो, तो अब आगे फर्दर देखते हैं। सेकंड स्क्रीन आ गई डिकोड में, थर्ड स्क्रीन आ गई डिकोड में, सेकंड स्क्रीन आ गई है ओप्पो में, थर्ड स्क्रीन आ गई है ओप्पो में, और अब देखते हैं लोडिंग स्टार्ट डिकोड में हो गई है, और यहाँ पे भी लोडिंग स्टार्ट हो गई है। डिफरेंस थोड़ा ही चल रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको पता लगता रहे कि इस तरह के रिजल्ट कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। अगेन लोडिंग इक्वली चल रही है, देखते हैं
दोनों में इक्वल है अभी तक तो। और ये बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ओप्पो A17 में पहले लोड हो गई है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। लेकिन मेरा दिल खुश हो गया कि डिकोड ने बहुत अच्छी टक्कर दी है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर। अब जो है हम पबजी मोबाइल चला के टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि पबजी मोबाइल कौन से डिवाइस में फास्टर चलती है। टैब हमने कर दिया है, अब हम देखना ये चाहते हैं कि क्या डिकोड पबजी मोबाइल को फास्टर चलाएगा ओप्पो से या नहीं। लेकिन अब आपके सामने डिफरेंसेस हैं तो परफॉर्मेंस वाइज तो मुझे थोड़ी ये दोनों ऑलमोस्ट जो है ना इक्वली लग रहे हैं पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैनल को बस जरूर सब्सक्राइब कर देगा। बाकी ऐप्स के अंदर तो आप देख लो कि डिकोड अच्छा खासा जो है ना विन कर गया है। तो अब ये देख लो कि सेकंड स्क्रीन थर्ड स्क्रीन और ये पबजी जो है पहले लोड ओप्पो A17 के अंदर हो गई है और उसके बाद जाकर डिकोड में लोड हुई है। डिफरेंस थोड़ा है लेकिन भाई डिफरेंस तो डिफरेंस होता है। अब हम फिंगरप्रिंट टेस्टिंग करेंगे दोनों डिवाइस की। और जो ओप्पो A17 है इसमें हमें साइड फिंगरप्रिंट मिलता है और जो ये सिग्नल है माशाल्लाह से इसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। तो ये एक शॉकिंग है हमारे लिए रिजल्ट, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे जो है ये लिस्ट हुआ है कि इसमें फिंगरप्रिंट है। मैं एक घंटा खपता रहा हूँ, मुझे कोई सेटिंग ऐसे यूजुअल नहीं मिली। तो ये थोड़ा सा जो है ना शॉकिंग है, लेकिन फिंगरप्रिंट का जो मैं पॉइंट है वो मैं ज़रूर दूंगा ओप्पो A17 को, क्योंकि हमें एटलीस्ट फिंगरप्रिंट मिल तो रहा है ना। तो ये थी दोनों की हमारी कंपैरिजन वीडियो स्पीड टेस्टिंग की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आप बस जो है ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं जैसे अगली वीडियो में, उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।